हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम मोनालिसा बरकागोटी। आप सभी को मैं नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, 2018 को गुड बाय और 2019 को वेलकम करने का समय आ गया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और प्लीज सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल को कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे नया साल क्यों मनाया जाता है। हर कोई नया साल का पालन करते हैं, पर कोई ये सोचता है कि नया साल क्यों मनाया जाता है, तो आइए जानते हैं। नया साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नव वर्ष लगभग 4000 वर्ष पहले बेबिलिन नामक स्थान में मनाना शुरू हुआ था और ये 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, लेकिन इसकी शुरुआत रोमन कैलेंडर से शुरू हुई थी। इस बार पारिक रोमन कैलेंडर का नया वर्ष 1 मार्च से शुरू होता है, लेकिन रोमन के प्रसिद्ध स्मार्ट जूलियस सीजर ने 46 वर्ष ईसा पूर्व में इस कैलेंडर में परिवर्तन किया था और उन्होंने इसके बाद जुलाई का महीना और अपने भतीजे के नाम पर अगस्त का महीना भी जोड़ दिया। पूरी दुनिया में तब से लेकर आज तक नया साल 1 जनवरी को ही मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से मना जाता है और हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसीलिए उस दिन से नया साल का आरंभ इस दिन से होने लगा और इस दिन नया साल सब लोग मनाने लगे। लेकिन हमारे इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम महीने की 1 तारीख को नया साल हिजरी से शुरू होता है। वैसे तो भारत में नया साल सभी स्थानों पर अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे कहां और कब मनाया जाता है। ज्यादातर ये तारीख मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ती है और पंजाब में नया साल बैसाखी के रूप में 13 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन सिख धर्म के लोग नया साल नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मार्च में होली के दूसरे दिन नया साल मनाते हैं और जैन धर्म के लोग वो नव वर्ष को दिवाली के अगले दिन से मनाते हैं। ये नया साल भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति के अगले दिन से शुरू होता है। वैसे तो पूरे भारत में ज्यादातर लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान हो, 1 जनवरी को ही भारत का नया साल मनाया जाता है। तो दोस्तों, नया साल तो आ गया, अभी हम सोचेंगे कि इसको कैसे सेलिब्रेट करें। तो सुनिए, देश भर में नया साल अलग अलग तरीकों से माना जाता है। इसे मनाने में हर देश की अपनी एक एक अलग अलग परंपरा होती है, जिसे पिछले कुछ प्रतीक भी है। क्यों ना न्यू ईयर को प्रकृति के लिए कुछ नया करें। इसके लिए एक नया साल में कुछ नए पौधे लगाकर नेचर को और भी खूबसूरत बनाएं, ताकि नेचर भी खूबसूरत बने और हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा है। जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और जितना भी अभी पोल्यूशन है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सब भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग ये जरूर करें कि हर एक दिन आप लोग सोच लीजिए कि आज एक नया साल है, क्योंकि जब एक पेड़ पौधा का नए तरीके से आप लोग उसको करेंगे तो उसको एक नया जीवन मिलेगा और इस जीवन से एक नया दिन का शुरुआत होगा। तो दोस्तों, आप सभी